तो सूक्ष्म समृद्ध विज्ञान चैनल और यूनिक हेल्थ कंसल्टेंसी के सुधी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। एक जानकारी देना चाहता हूँ कि 14 और 15 जनवरी 2022 को हमारे यहाँ शिविर है। इस शिविर में किसी भी प्रकार की जो साधना है उसकी दीक्षा ले सकते हैं और उस साधना को बाद में घर में जाके कर सकते हैं। दीक्षा के समय कुछ गुप्त योग वो आपको बताया जाएगा, और यदि आप आ पाते हैं तो ठीक है, नहीं आ पाते हैं तो आप इस जो मोबाइल है वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप दीक्षा ले सकते हैं। ऑडियो कॉलिंग से भी ली जा सकती है, और दीक्षोपरांत आपकी जो सामग्री है आपके घर भेज दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग कीमिया में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वह लोग इस अवसर का लाभ उठावें और कीमिया में सफलता प्राप्त करें। अब एक साधारण सी चीज कही जाती है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। बात महत्वपूर्ण है और एक ऐसी चीज की है जिसके बिना हमारा रोज का भोजन तक नहीं चलता। मैं बात कर रहा हूं नमक की। जिसका रासायनिक सूत्र NaCl है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन का मिश्रण। सोडियम एक मेटल कहा गया है, धातु कहा गया है, लेकिन जब वो क्लोरीन के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो उसको नमक कहा जा सकता है। अब नमक भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम केवल और केवल सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक के बारे में। आप रॉक सॉल्ट ले लें, सेंधा नमक या समुद्रिक नमक ले लें, ज़्यादातर समुद्र से निकला नमक ही हमें प्राप्त होता है। तो जो लोग व्रत उपवास इत्यादि करते हैं तो उस दिन वो समुद्री नमक नहीं खाते। क्यों? उसके बजाय सेंधा नमक क्यों प्रयोग करते हैं? सेंधा नमक इसलिए प्रयोग करते हैं कि यह पहाड़ों से प्राप्त होता है। जो चीज पहाड़ों से प्राप्त होती है शुद्ध होती है। समुद्र में सारी नदियों का जल जाता है, समुद्र में गंदगी जाती है, जाने कितनी नदियों में असंख्य गंदे नाले जाया करते हैं, और उसमें तरह तरह के जीव जंतु भी, सूक्ष्म से लेकर बड़े बड़े तक जीव जंतु उसमें निवास करते हैं समुद्र में। तो उस नमक में जीवांश भी सम्मिलित होता है। इसलिए उसे अपवित्र भी कहा गया है, और उसके अलावा उसको दूषित भी कहा गया है। हालांकि प्रोसेसिंग होने लगी है, नमक को रिफाइंड किया जाने लगा है, तो उसमें कुछ दोष कम हो जाते हैं, परंतु जो नमक आपका पहाड़ों से प्राप्त होता है उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। यथासंभव खाने में रॉक साल्ट का प्रयोग ही सेंधा नमक, जो कि गुलाबी रंग का होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। कोई कोई नमक पीले रंग का भी होता है, कुछ गुलाबी होता है। तो इस प्रकार से इस नमक को आप प्रयोग करते हैं। अब नमक एक ऐसी चीज है, इसका प्रयोग भोजन में भी किया जाता है,
इसका प्रयोग दवाइयों में भी किया जाता है, इसका प्रयोग तंत्र में भी किया जाता है, इसका प्रयोग निगेटिव शक्तियों को शरीर से हटाने के लिए भी किया जाता है। नमक की कमी अगर शरीर में हो गई तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी भी हो जाएगी और फिर वो इन्फ्लूजन सेट के द्वारा या तो शरीर में बोतल चढ़ाई जाएगी और या फिर और किसी तरीके से ग्लूकोज के साथ में इसका प्रयोग करके शरीर को पानी से और नमक से आपूर्ति किया जाएगा। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नमक से आती है। नमक में ऐसा गुण पाया जाता है जो कि जिसके संयोग से कीटाणु और विषाणु अपने आप नष्ट हुआ करते हैं और इसके ही माध्यम से शरीर में क्षारीयता अम्लीयता को खत्म करके क्षारीयता प्रदान करता है। इतना तो ये है। अब नमक अगर जैसे आपके ऊपर बुरी शक्तियों का वास है, निगेटिव शक्तियों का आपके ऊपर वास है, तो कहा जाता नहीं कि शरीर से राई और नून यानी कि नमक उतार करके कहीं एकांत स्थान में फेंक देना चाहिए। इसी प्रकार से नमक को पानी में डाल करके उस पानी से स्नान करना भी निगेटिविटी को ख़त्म करता है और नमक के पानी से स्नान करने से शरीर के ऊपर लगे हुए जीवाणु विषाणु इत्यादि वैसे भी नष्ट हो जाया करते हैं। और इसके अलावा जैसे आपके शरीर में कई प्रकार के छोटे छोटे फुंसी वगैरह होती हैं, वो भी नमक के पानी से धोने से उनमें भी आराम मिलता है। अगर दांतों को आपको मजबूत रखना है जीवन भर, तो दांतों में सेंधा नमक पीस करके सरसों के तेल में मसूड़ों की मसाज अच्छे तरीके से करनी चाहिए। दांत भी ये साफ करता है और कीटाणु भी मारता है, मुख के दुर्गंध भी दूर करता है। और सबसे अच्छी बात ये कि अगर किसी तरह से ये पेट के भीतर भी चला जाए तो कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसको तो हम नित्य प्रति ही भोजन में प्रयोग करते हैं। इसी नमक और पानी को गर्म करके यदि गरारे किए जाएं तो टॉन्सिल की समस्या गले में होती वो भी दूर होती है। कहीं सूजन है भीतर श्वास नली में या कहीं भी, उसमें भी आराम मिलता है। नमक और पानी गर्म करके, सेंधा नमक की बात कर रहा हूँ, 1 लीटर पानी अगर सुबह पिया जाता है स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होता है। अगर पथरी शरीर में है तो 2-3 महीने में नमक पानी के पीने से पथरी भी घुल घुल करके कट कट करके निकल जाती है। इसके अलावा दांतों में सूजन, मसूड़ों में सूजन या दांत में कहीं घाव है तो माउथ वाश का बहुत अच्छा काम करता है। नमक और पानी के कुल्ले करने चाहिए, बार बार कुल्ले करने चाहिए, उससे भी मुंह में काफ़ी आराम मिलता है। दांतों में झंझनाहट, दांतों में सनसनी, सेंसिटाइजेशन जिसको कहते हैं, वो होना और ठंडा गर्म पानी लगना, इस समस्या में भी यदि आप कुल्ला करते हैं नमक पानी का तो ये काफ़ी लाभदायक होगा। दांतों में अगर कभी खट्टी चीज के खाने से दांतों में एक प्रकार से दर्द पैदा हो जाता है जिसको कहते हैं लोष्ठवन हो जाना, यानी कि रोटी खाएंगे तो फिर दांत बड़ा एकदम करंट जैसा मारेगा, पानी पिएंगे तो करंट जैसा मारेगा,
ये हो जाता है कभी कभी आपके शरीर में, वो होता है जैसे कोई खट्टी चीज़, ज़्यादा खट्टी चीज़ ले ली आपने, इमली या कुछ ऐसी चीज़, ये चीज़ अगर हो गई हो तो भी आपको नमक पानी के गरारे करने चाहिए। और इसमें एक और चीज़ करनी चाहिए, रोटी गरम गरम लें, थोड़ा इतनी रोटी गरम लें कि मुंह की त्वचा ना जले, और उसको इस प्रकार से बचा के दोनों दांतों के बीच में ऐसे रोटी रख करके दबाना चाहिए, उससे दांतों को सेक मिल जाती है और ये धीरे से ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार से जब दांतों में कैविटी हो जाती है, कैविटी में वह दवा वगैरह दी जाती है, लेकिन अगर नमक पानी का सेवन किया जाता है तो कैविटी में भी, भीतर की सड़न में भी आराम मिलता है। एक अच्छा रोग प्रतिरोधक ये उपाय है, जो लोग करते हैं वो लोग इस चीज़ को जानते हैं। कुछ लोगों को ये होता है कि वो कई प्रकार के नमकों को मिला करके और एक योग का निर्माण कर लेते हैं, तो वो भी काफ़ी उनके लिए अच्छी चीज़ होती है। कई औषधियों में नमक का प्रयोग किया जाता है, स्वाद बढ़ाने में तो नमक का कोई योगदान कोई नहीं भूल सकता। अगर खाने से नमक ही हटा दिया जाए तो सारा स्वाद खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। शक्कर आपको 10 साल ना मिले तो एक बार आप अपना गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन अगर नमक नहीं मिला तो एक दिन भी गुजर बसर नहीं हो सकती। दुनिया का सारा रंग, सारा स्वाद नमक पर निर्भर है। जो ऊपरी शक्तियां हैं, कुछ तांत्रिक प्रयोग का आपको अंदेशा है तो राई और नमक या केवल नमक अपने शरीर के चारों ओर, लेकिन वो नमक कौन सा होना चाहिए? जो नमक आता है ठोस रूप में बिना पिसा नमक, उस नमक का प्रयोग करना चाहिए, उतार करके पीछे की ओर फेंक दें ऐसा। अब इसको टोटके में मत ले लेना, लोग टोटके बताया करते हैं, ऐसा होता है और कई बार इसमें लाभ मिला है। वैसे टोटकों को मैं पसंद नहीं करता हूँ, उनके पीछे लॉजिक होता है, एक विज्ञान होता है किसी चीज़ के पीछे, अगर बताया गया है हमारे द्वारा उसको महसूस करें, करके देखें, महसूस करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।